राइट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन लबाना है। एग्रोसा टॉक्स में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, मैं जब सिक्स्थ और सेवन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा करता था तो मैं हॉस्टल में रहा करता था, और हॉस्टल में रहते हुए मुझे घर की बहुत याद आती थी। माता जी की बहुत याद आया करती थी स्पेशली। तो उस समय दिल में बात आती थी कि काश कोई ऐसी डिवाइस हो जिससे मैं सिर्फ माता जी से बात ही नहीं, उन्हें देख भी पाऊँ। हम तब ये सोचा करते थे और आज ये संभव है। आज हम ना ही बातचीत ही नहीं, हम साथ ही साथ एक दूसरे को देख भी सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी सब इस हद तक डेवलप हो गई हैं कि हम और भी अपनी कम्युनिकेशन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं अलग अलग मेथड्स और टेक्नोलॉजीज द्वारा। आज हम इन्हीं टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि किस तरीके से मशीनी युग में ये टेक्नोलॉजीज जो हैं हमारी मशीन की प्रोडक्टिविटी, उनकी आफ्टर सेल्स सर्विस को और ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं, बेटर करती हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं ऑटोमेशन के एक्सपर्ट मिस्टर अजय कुमार, जो कि खुद एक बीटेक इंजीनियर हैं और एग्रोसा में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत भी हैं। इससे पहले कि हम अजय जी के साथ बातचीत शुरू करें, मैं आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबके प्यार के लिए। आप सभी हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, हमें मैसेजेस भी आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे फेसबुक वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, और यूट्यूब वीडियोस को, यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नवीन जी। चलिए अजय जी, सीधे ही मुद्दे की बात पे आते हैं। आपका इतना डिटेल्ड एक्सपीरियंस है ऑटोमेशन में, आप 10 साल से एग्रोसा में कार्यरत भी हैं, आप इतने सारे कस्टमर से प्लांट्स के मशीन के सिलसिले में मिलते रहते हैं। मैं एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ पहले, कि एक कस्टमर जो है, एक जो भी नया व्यक्ति है जो नई मशीन लेता है, जो अपना प्लांट लगाना चाहता है, उसके मन में सबसे पहले वो कौन से सवाल उठते होंगे मशीन लेने से पहले, वो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहता है, मैं आपकी तरफ से ये समझना चाहूँगा। नमस्कार नवीन जी। नवीन जी, देखिए, जब भी कस्टमर जो है मशीन लेने जाता है, या मैं या आप, हम कभी भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं या मशीन लेने जाते हैं जी, तो हमारा सबसे पहला जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जो भी हम टास्क मशीन से कराना चाहते हैं, जो भी हम आउटपुट मशीन से लेना चाहते हैं, वो मशीन वो आउटपुट देगी या नहीं देगी। सबसे पहला जो हमारा माइंड क्वेश्चन होता है वो यही होता है। तो इसके लिए हम कुछ एक ब्रांड्स में, जैसे हम देखते हैं कि हमने 4 या 5 या ब्रांड्स में देखते हैं कि हाँ ये मशीन काम कर सकती है। जब हम कुछ एक ब्रांड्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि कौन सी मशीन जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत लेटेस्ट है। बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है, आज टेक्नोलॉजी ने आज हमारे काम को बहुत आसान कर दिया है जी। ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग आज के टाइम बहुत ही अच्छी मशीन से आउटपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, मशीन्स के कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से हमें काफी इजी लगने लग जाते हैं जी। ठीक है, जब उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कस्टमर का, बजट का जी। बिकॉज अब बजट भी एक बड़ा इशू है, बिकॉज हमें जब भी हम कोई मशीन लेते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, हमारा एक स्पेसिफिक बजट भी होता है उसके लिए। ठीक है, जब हमारी ये तीनों चीजें फाइनल हो जाती हैं, तो हमारा एक बहुत ही बड़ा मेन पॉइंट जो लास्ट में आता है कस्टमर के दिमाग में, वो आता है आफ्टर सेल सर्विस का जी। जी, बिकॉज हमने पहले टेक्नोलॉजी की बात करी कि सेकंड पॉइंट जो है कस्टमर टेक्नोलॉजी देखता है। बिकॉज अगर आप कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक स्किल जो है ऑपरेटर भी चाहिए उसको चलाने के लिए। ठीक है, कंपनी से एक सपोर्ट भी चाहिए आपको। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस भी चाहिए आपको। ठीक है, तो आफ्टर सेल सर्विस जो है एक कस्टमर के दिमाग में बहुत ही पिन पॉइंट करता है कि मतलब जिस भी कंपनी का वो प्रोडक्ट खरीदे उसकी आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट मेन है मेरे हिसाब से जी, जो मैंने आज तक देखा है कस्टमर को जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है, और उनमें से मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूंगा दोबारा से एक बार,
कि कस्टमर देखता है कि कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इस मशीन में ऑलरेडी हैं, ये कैसे बेहतर है बाकी मशीनों से। और आफ्टर सेल सर्विस, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको अच्छी आफ्टर सेल सर्विस मशीन की मिलती है तो आप थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं और आपको हमेशा फिक्र नहीं रहती उसकी प्रोडक्टिविटी या अपने प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने की। आपने टेक्नोलॉजीज की बात करी, तो आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसमें से कुछ मुख्य टेक्नोलॉजीज के अगर मैं नाम लूँ, जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी एक टेक्नोलॉजी है, रिमोट एक्सेस जिसे हम एक और टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बातचीत होती है मशीनों में। तो इन सभी टेक्नोलॉजीज के बारे में, ऑटोमेशन जो आपकी एक अपनी फील्ड भी है, तो इन सभी टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताएं इससे पहले कि हम अपनी अगली बातचीत शुरू करें। तो नवीन जी, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पहले मेरी अपनी फील्ड से, ऑटोमेशन से। जी तो अभी एक बार थोड़ा छोटी सी डेफिनेशन हम एक ऑटोमेशन की देंगे यहाँ पे कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जी ऑटोमेशन है क्या। देखो, हमारी लाइफ में या हमारी मशीनों में बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो ह्यूमन कैपेबिलिटी से बाहर होते हैं। मतलब आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी करना चाहते हैं कि, या फिर आप मशीन में मान लो अगर 10 कंपोनेंट्स है, 10 कंपोनेंट्स के रिस्पॉन्स का कुछ एक रिजल्ट चाहिए हमें, तो कई सारे ऐसे टास्क होते हैं जो जो ह्यूमन कैपेबिलिटी से थोड़े दूर होते हैं, तो वो उन टास्क को हम ऑटोमेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। जी ठीक है, तब जी मतलब जो टास्क ह्यूमन कैपेबिलिटी से बाहर है उसको हम ऑटोमेशन से सॉल्व ऑटोमेशन सॉल्व करते हैं। जी ठीक है, ऑटोमेशन में मेनली जो हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंपोनेंट्स का पता होना भी जरूरी है कि इंडस्ट्रीज में कंपोनेंट्स कौन कौन से हम बेसिकली हम यूज करते हैं। जी हम इसके लिए जो है कई तरह के हम सेंसर्स यूज करते हैं मशीन के अंदर। जैसे हमारी हमारी अगर हम एग्रोसा का ही लेके पॉइंट ऑफ व्यू लेके चले, क्योंकि तो हम सीड की मशीनों की बात कर रहे हैं, हम हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की मशीनों की बात करेंगे अभी यहाँ पे। ठीक जी जी है, तो हमारी मशीन के अंदर जो है हम लोग लेवल सेंसर्स यूज करते हैं। जी ठीक है, एक्चुएटर्स यूज करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर्स यूज करते हैं। ठीक है, बेरिंग टेम्परेचर सेंसर, मोटर टेम्परेचर सेंसर्स, मशीन की रोटेशन का काउंटिंग यूज करते हैं। तो जी मतलब, और इसके साथ साथ हम पीएलसी यूज करते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जिसको हम बोलते हैं। जी ठीक है, प्लस ह्यूमन का इंटरफेस, मतलब जो ऑपरेटर है उसका इंटरफेस एक इजी बनाने के लिए हम इसमें एचएमआई यूज करते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ठीक है, जिसमें कि एक टच स्क्रीन रहती है और तो डिस्प्ले रहती है कंप्लीट। और जब कोई एक बहुत बहुत बड़ा प्लांट होता है, इसमें बहुत सारी मशीनें होती हैं हमारी, तो वहां पे हम कस्टमर को स्काडा सुजेस्ट करते हैं। स्काडा क्या रहता है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड रहता है जो कि हम एक लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करके, ठीक है, और पूरा जो पूरा कंप्लीट जो प्लांट होता है कस्टमर का, उसको हम एक सिस्टम से मॉनिटरिंग प्लस कंट्रोलिंग जो है वो दोनों अवेलेबल करवाते हैं। तो ये ऑटोमेशन के कंपोनेंट्स थे। जी थोड़ा छोटा सा मैंने ब्रीफ दिया आपको कि क्या क्या बिल्कुल कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं, और जी ये कंपोनेंट सारे एग्रोसा यूज कर रही है। जी मैंने इसीलिए आपको वही कंपोनेंट्स बताए हैं जो एग्रोसा यूज करती है। बहुत बढ़िया ठीक है, जी इसके अलावा भी हम लोग कई तरह के सेंसर्स हम लोग यूज करते हैं। जी ठीक है, तो नवीन जी, इसमें एक अभी मैंने आपको इसमें बताया कि जो ऑटोमेशन जो है वो ह्यूमन टास्क से जो ह्यूमन की कैपेबिलिटी है उसको कवर करती है एक बिल्कुल टाइप। ठीक है ना, जी 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 छोटा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक हमारी जरूर लेटेस्ट लेटेस्ट मशीन का दूंगा मैं आपको। जरूर हमने अभी लेटेस्ट में एक मशीन डेवलप करी है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है हमारी, वो वेयर एंड बैगर करेंगे उसपे। वो मल्टी वेज वेइंग सिस्टम है उसको, एक्चुअली ओके वेइंग। ओके उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें मल्टीपल कमोडिटी के, मल्टीपल वेइंग के आप जी कैरेट्स फिल कर सकते हैं, बैग फिल कर सकते हैं उसके अंदर। आपको अभी हमने जो वो मशीन बनाई है वो हमने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए बनाई है। ठीक ओके है, ठीक है। हाँ, अब छोटा सा एग्जांपल क्या है कि इसमें ऐसा कौन सा टास्क था जो ह्यूमन कैपेबिलिटी से दूर था और वो हमने किया। जी ठीक है, हाँ। अब इस मशीन में क्या है कि हमने दो कन्वेयर्स यूज करी है, एक कोर्स फिलिंग के लिए और एक फाइन फिलिंग के लिए। ठीक है, ओके ताकि जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी आए। ठीक है, तो हमने क्रिटिकल इसका जो ऑटोमेशन पूरा प्रोसेस बनाया है, हमने कस्टमर को इसमें एक एचएमआई दिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम एचएमआई यूज करते हैं, तो हमने जी इसमें जी कस्टमर को एक एचएमआई दिया है जो कि टच स्क्रीन ऑपरेटेबल है। ठीक अच्छा है, हाँ। उसकी जो सिस्टम है ऑटोमेटिक सिस्टम, उसमें हमने एक रेसिपी सिस्टम दिया है कस्टमर को। जी ठीक है, उसमें क्या है कि आप जो मशीन की पूरी सेटिंग्स हैं कि आपको कितने केजी का बैग लेना है, प्लस कौन सी कन्वेयर किस सिस्टम में चलानी है, किस सिस्टम में नहीं चलानी,
ठीक है, और उसकी आरपीएम भी कंट्रोल्ड है हमारी कन्वेयर की, कितने आरपीएम पे आपने सेट करना है, मतलब जी कैसे आपको प्रिसाइज आउटपुट लेनी है, उसकी सारी सेटिंग्स एक उस रेसिपी के अंदर अवेलेबल है। हाँ ठीक है, ह्यूमन जी ह्यूमन इतनी सारी चीजों को कि मतलब आरपीएम भी देखना है आपने, वेट भी देखना है आपने, ठीक है, उसके बाद आपने कमोडिटी भी है आपके पास, फिर आपने कितनी देर के लिए चलानी है, तो कई सारे इसके अंदर आपके पास पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, अगर मैनुअली अगर हम उस मशीन को चलाएंगे तो हमारे लिए हमें काफी कुछ दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ इतना हो गया ऐसा हो गया। तो अगर उस सबको इजी करने के लिए हमने एक रेसिपी सिस्टम बना दिया बाय यूजिंग ऑटोमेशन। ठीक है, जी एक सॉफ्टवेयर यूज करके हमने पीएलसी में एक प्रोग्राम डाल दिया, प्लस एचएमआई के ऊपर एक रेसिपी सिस्टम बनाकर दे दिया। अब कस्टमर को क्या करना है, जस्ट एक रेसिपी बनानी है और उसको सेव करना है, जब जी भी वो जी प्रोग्राम चलाना है उस प्रोग्राम को ओपन करके उसे लोड करना है और जस्ट और रन की कमांड देनी है मशीन के ऊपर, और जो मशीन जो है अपनी सेटिंग पे चलनी जो स्टार्ट हो जाएगी। जी तो आप जी देखिए नवीन जी, जो यहाँ पे टास्क एक मुश्किल हमें फील हो रहा था कि कस्टमर के लिए मुश्किल होगा, वो जी ऑटोमेशन के थ्रू इतना इजी हो गया आपके बहुत चलते। बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं बस यहाँ पे एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, जो आपने शब्द यूज़ किया रेसिपी, व्यूअर्स को अगर ये समझना है तो रेसिपी ये कोई खाने की रेसिपी नहीं है, रेसिपी है कि आप उसमें क्या फीड करते हैं, आपको क्या प्रोडक्टिविटी किस तरीके से निकालनी है। पैरामीटर्स तो ये रेसिपी वो सही है। मीटर्स, जल्दी हम बाकी टेक्नोलॉजीज को भी चेक कर यस लेते हैं यस एक बार आपसे। जी हाँ जी अमीन जी, ऑटोमेशन का एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट मैं पार्ट करूंगा आईओटी का। बिल्कुल आईओटी आज के दिन बहुत ट्रेंड में है मार्केट के अंदर। जी आईओटी का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, जी मतलब क्या कि एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट, आपका सारा डेटा जो है वो क्लाउड्स पे है। जी जी तो नवीन जी क्या होता है कि जब इतना सारा डेटा हमारे पास ऑटोमेशन में अवेलेबल है मशीन का, जी मतलब हमारे पास जी आरपीएम भी है, सेंसर्स लगे हुए हैं, उसका डेटा भी है, सब जी बहुत कुछ है हमारे पास। अब बहुत सारे कस्टमर्स का ऐसा रहता है कि एक प्लांट आपका किसी एक लोकेशन पे लगा हुआ है और कस्टमर जो वहां का ओनर है यहाँ के, या फिर वहां के जो मैनेजर्स हैं वो किसी दूसरी लोकेशन पे रहते हैं, मतलब जी वो कंट्री वाइज भी हो सकता है या अब्रॉड भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है कि मैं अपने प्लांट को कहीं से भी मॉनिटर कर सकूं, कहीं से भी ऑपरेट कर सकूं, एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो वहां पे हम आईओटी को यूज करते हैं। ठीक है, हम मशीन का पूरा डेटा जो है वो क्लाउड पे स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर वहां से डेटा, वहां से हम एक हमने हमने अपनी एक ऐप बनाई है उसके लिए, प्लस हम डेस्कटॉप के थ्रू भी हम लॉगिन देते हैं, कस्टमर को एक आईडी पासवर्ड देते हैं। जी ठीक है, और उसके मशीन का, ठीक है, तो ऐसे कस्टमर वो लॉग इन करके अपनी पूरी मशीन का जो डेटा है कहीं भी वर्ल्ड में लोकेशंस, किसी भी लोकेशन से वो देख सकता है। प्लस इसमें एक बेनिफिट और भी है कि अगर आप पूरे मशीन का एनालिसिस करना चाहते हैं कि मतलब आप चाहते हैं कि कौन सी मशीन में कब कब क्या क्या ब्रेकडाउन हुए थे या क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, तो उसकी पूरा एनालिसिस हम इस आईओटी पे जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके थ्रू हम पूरा एनालिसिस भी कर सकते कर हैं, पूरे सकते हैं। बार ग्राफ्स वगैरह ट्रेंड्स वगैरह हम सब कुछ कस्टमर को दिखा सकते हैं। तो ओके उससे ये रहता है कि जो भी कस्टमर जो एक मशीन की इंफॉर्मेशन थी वो जी पूरी इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास अवेलेबल होती है। जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। ठीक है मतलब इसको नवीन अगर जी, मैं इसको एक लाइन में इसको अगर मैं समराइज करूं तो ये हेल्थ चेकअप अगर आपका हो रहा है तो आपको कह लीजिए ब्लड टेस्ट से आपको सारी रिपोर्ट जिस तरीके से आ जाती है, वैसे आईओटी के माध्यम से उस मशीन की उस प्लांट की सारी रिपोर्ट जो है वो एक्सपर्ट्स के पास चली जाती है, जिससे वो आपको बता सकते हैं कि इसकी हेल्थ कैसी है। बहुत बढ़िया सर। अजय जी और बाकी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आप टच करना चाहेंगे? नवीन जी इसके बाद एक जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम हम लोग हमने अभी स्टार्ट करा है कुछ महीने पहले जो है वो यूज करना, वो है एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी। आपने भी सुना होगा आजकल बहुत सारी हम देख रहे हैं कि गेम्स हैं, काफी सारी एआर बेस्ड जी गेम्स आ गई। जी एक्चुअली मार्केट में कुछ भी नया ट्रेंड आता है इस टाइप का तो कुछ गेम्स से स्टार्ट होता है जी 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 आज बिल्कुल बिल्कुल के टाइम पे। ठीक जी है, आपको मतलब प्ले स्टोर पे इतनी गेम्स हैं जो एआर बेस्ड हैं, बहुत जी सारी फैसिलिटीज ऐसी मिल गई हैं। तो एआर एक्चुअली जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, जी आपने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले वर्चुअल रियलिटी का काफी ट्रेंड आया था, आपने कुछ ग्लासेस देखे होंगे, होलो लेंसेज देखे होंगे, होलो जी लेंसेज में हम लोग वर्चुअली गेम्स प्ले करते थे या कुछ प्रोडक्ट्स भी विजुअलाइज करते थे, बहुत सारी कंपनीज ने यूज किया इस चीज को। ठीक जी है, तो बट ऑगमेंटेड रियलिटी जो क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन दूंगा मैं आपको एक क्लियर करने के लिए, कि जो जी हम वर्चुअली डेटा को देखते थे, ठीक जी है, प्लस एक जो रियल टाइम डेटा है। ठीक है, जैसे हमारी एक मशीन है, ठीक है, जो हमारे पास है, प्लस एक डेटा है उस मशीन का हमारे पास, जी जैसे हमारे पास सेंसर्स से रिलेटेड डेटा है जिसमें हमारी सेंसर्स की कुछ वैल्यूज हैं, कुछ टेम्परेचर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो हम दोनों डेटा को कंबाइन कर देते हैं उसमें, मतलब उसमें होता क्या है कि हम दोनों डेटा को कंबाइंड करके दिखाते हैं, मतलब हम रियल वर्ल्ड और जो वर्चुअल वर्ल्ड है दोनों कंबाइंड कर देते हैं दोनों ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर।
ठीक है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ी सी यही बताऊंगा डेफिनेशन, यहाँ पे सिर्फ इतना ही, जी वो बाद में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में भी, जरूर, ठीक है। जी अगर आप जरूर कुछ, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, है जरूर जरूर ना? करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है, ठीक है। जरूर करेंगे। हाँ एक एक रिमोट एक्सेस के बारे में आप जरूर थोड़ा सा हमें बताएं। जी, हाँ जी। रिमोट एक्सेस क्या है कि इसमें ना दो चीजें हैं नवीन जी हमारे पास। एक आता है हमारे पास रिमोट कमीशनिंग का, कि जी इसमें हम रिमोट से हम सपोज मान लो मैंने कोई ऑटोमेटिक प्रोग्राम, मैंने कोई पीएलसी पैनल बनाया, मैंने कोई ऑटोमेटिक मशीन बनाई है, ठीक है। जी अब वो मशीन मेरी किसी रिमोट लोकेशन पे है, जी ठीक जी है। मेरा विजिट करना वहां पे, मतलब मुझे वहां पे टाइम की प्रॉब्लम है कि मुझे आज ही उसका सोल्यूशन करना है, ठीक जी है। तो ये क्या कि जो आईओटी को अगर हम कंसीडर करें, वहां पे जी एक्चुअली रिमोट एक्सेस में हम आईओटी को भी यूज करते हैं ओके और एआर को भी यूज करते हैं, दोनों टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं अलग अलग जी वे में, ठीक है। जी अगर हम आईओटी को देखें तो हम आईओटी के थ्रू क्या करते हैं कि हम कंप्लीट मशीन की जो प्रोग्रामिंग है या मशीन के जो पैरामीटर्स हैं वो रिमोटली एक्सेस कर लेते हैं यहीं ऑफिस में बैठे बैठे, जी जी ठीक जी है। कस्टमर को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम थ्रू आईओटी, थ्रू डाटा जो हमने वेब सर्वर पे डाटा जो जो क्लाउड पे डाटा जो हमने रखा हुआ है, तो उसके थ्रू हम सारा डाटा मशीन का जो है अपने पास ओपन कर सकते हैं और कस्टमर को हम यहीं से गाइड कर सकते हैं, ठीक ओके है। एक तो ये रिमोट एक्सेस है हमारे पास। जी दूसरा आता है रिमोट ट्रबल शूटिंग का, रिमोट फॉल्ट फाइंडिंग का, या हाँ रिमोट जी सपोर्ट का, कस्टमर ओके सपोर्ट, ओके ठीक है। उस वहां पे हम ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज करते हैं नवीन ओके जी। जी, बहुत बढ़िया। तो आपने बड़े ब्रीफली हमें सारी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं इनके बारे में डिस्क्राइब किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा जो अगला सवाल है वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज के यूज़ यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है, पर मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, जो कस्टमर्स हैं, अब आप इतना इतना आप मिलते रहते हैं, आपका मिलना रहता है कस्टमर्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस को लेके, तो सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ से समझना चाहूंगा कि जो कस्टमर्स हैं इनको कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ों के लिए हो, चाहे वो मशीन को चलाने हेतु हो या फिर आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड हो, वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, आप उन्हें कैसे कैसे कैटेगराइज करेंगे, थोड़ा सा प्लीज़ हमें ब्रीफली बताएं। नवीन जी, अगर आपने कस्टमर चैलेंजेस की बात करी तो इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे जैसे अगर आप देख रहे हैं कि मशीनें बहुत टेक्नोलॉजी में एडवांस होती जा रही है, मशीनें धीरे धीरे, मतलब मशीनों में बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेंसर्स, कई तरह के हम सेंसर्स लगा रहे हैं, उसके अंदर ऑटोमेशन कर रहे हैं, आईओटी भी कर रहे हैं, ठीक है। प्लस एआर का भी हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। तो मशीनों की आप कह सकते हैं कि वर्किंग तो ईजी हो गई है, ठीक है, बट कस्टमर के लिए मशीन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। बिकॉज हम सिस्टम डिजाइन करते हैं तो हमारे लिए वो चीज बहुत इजी है, बट कस्टमर जो है वो सिर्फ उसको ऑपरेट करता है, उसको सोचता है, उसको जो प्रोडक्ट की डीप है वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती कस्टमर के जी पास। बिल्कुल देखो नवीन जी, हम भी कोई मोबाइल फोन या लैपटॉप खरीदते हैं तो हमें भी सिर्फ चलाना आता होता है, अब कुछ खराब हो जाता है तो उसके लिए हमें कंपनी के पास ही जाना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक वो रिपेयर हम लोग नहीं कर पाते उस चीज को। बिल्कुल तो ठीक सेम ऐसे ही मशीनों के साथ भी होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है कस्टमर को, ठीक है, तो उसके लिए या तो वो कंपनी, या तो वो अपने पास कुछ सुटेबल इंजीनियर उसके पास, कंपनी के पास, सॉरी कस्टमर के पास होंगे, या फिर वो कंपनी से आफ्टर सेल सपोर्ट लेगा। तो यहाँ जी पे जी थोड़ी सी जो मशीन की कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी सी, वो कस्टमर के लिए एक चैलेंजिंग हो सकती है, ओके मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब जो पहला चैलेंज जो हम बता मैं जो बताना चाह रहा था आपको, वो है मशीन की कॉम्प्लेक्सिटी टेक्नोलॉजी वाइज, ओके ओके ठीक है, हो सकती है वो, दैट बिल्कुल कैन बी अ प्रॉब्लम। और बिल्कुल सेकंड जो है वो है स्किल गैप। देखो कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स कब होती है नवीन जी, जो चीज अगर हमें उसकी जानकारी नहीं है, ठीक है, तो वहीं पे जो बात पॉइंट निकल के आता है वो आता है स्किल का। ये मतलब अगर आपके लिए कोई चीज कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब है कि देयर इज सम स्किल गैप, कि जो स्किल स्किल्स बनाने वाले के पास है, मैन्युफैक्चरर के पास है, वो स्किल हो सकता है कस्टमर के पास ना हो, ठीक है। बिल्कुल तो मशीन की कॉम्प्लेक्सिटी और स्किल गैप, ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, मेजर आप चैलेंजेस कह सकते हो, जो कस्टमर के लिए रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा अजय जी। स्किल जो है वो समय के साथ डेवलप होता है, आप नई मशीन लेते हैं या कुछ भी नया लेते हैं, टेक्नोलॉजी जहाँ पे भी इन्वॉल्व है, तो आपको उसको सीखना पड़ता है, और मशीनें तो कॉम्प्लेक्स होती ही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज अगर उसमें जुड़ी हुई हों तो उसको स्किल से समझना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही आपने कहा। पर मैं इसके साथ ही एक मेरा जुड़ा सवाल ये है आपसे
कि अगर मैं समझना चाहूँ कि मशीनों में और कहाँ-कहाँ चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे जैसे हम कहते हैं कि उसके ऑपरेशन में, उसको ऑपरेट करने में मशीन को चैलेंज आ सकता है, या फिर कोई फॉल्ट उसमें आ सकता है, कोई मे बी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, मैकेनिकल फॉल्ट, थोड़ा सा इनके बारे में आप ज़रूर हमसे शेयर करें। नवीन जी, यहाँ पे जनरली अगर फॉल्ट्स की हम बात करें, जी देखो पहले तो जो एग्रोसा मशीन्स हम लोग मशीन्स डिजाइन करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम कस्टमर को ऐसी मशीन बना कर दे जिसमें फॉल्ट ना ही है। बिल्कुल सही ठीक बात है, है। जी जी प्रायोरिटी हमारी जो होती है वही होती है, चाहे उसको हम ऑटोमेशन से दूर करें या उसको हम मैनुअली मशीन ऐसा बनाएं कि कस्टमर के लिए फॉल्ट ना ही आए। हमारे लिए तो बिल्कुल जीरो फॉल्ट, जीरो करना ही हमारी प्रायोरिटी होती है बिल्कुल मशीन सही के बात लिए। है, ठीक है, बट फिर भी प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं, बिल्कुल सही बिकॉज बात कई सारी चीजें हैं, चैलेंजेस होते हैं फील्ड के अंदर कि जी जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती हैं। जी ठीक है, अब इसमें अगर हम पहले हम मशीन को मशीन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम मेनली हम जो भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को अपनी मशीन, उसमें हमारे साथ हमारे पास दो कंपोनेंट रहते हैं, जैसे कि आपने बोला कि एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रिकल। जी ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइड में देखें तो हमारे पास मोटर्स हैं, सेंसर्स हैं मशीन के अंदर। ठीक जी है, प्लस एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है जो कि जी हम कस्टमर को मशीन को चलाने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक जी है, और सेकेंड मेन थिंग जो है, फर्स्ट वो जो है वो मशीन है जिसको हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो नवीन जी अगर हम मशीन की बात करें पहले, जी तो मशीन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हम इसमें भी दो कैटेगरी हम डिफाइन कर सकते हैं, एक मैनुअल मशीन और एक ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन जिसमें हम सेंसर्स वगैरह हम यूज करेंगे। ठीक है, जी एक मैनुअल मशीन है जिसमें कस्टमर को अपने आप से सब कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है कि हाँ के मशीन में कितना मटेरियल फीड हो रहा है, कितना आउटलेट पे हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, उसको बैक फिल हो रहा है तो उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं या नहीं कर बिल्कुल रहे हैं। ठीक है, जी तो सारी कई चीजें जो कस्टमर को मैनुअली देखनी पड़ती है। तो इसमें कई बार चैलेंज क्या आता है कि सपोज मान लो अब कोई एलिवेटर है, ठीक है, वो एक मशीन को फीड कर रहा है, बीच जी में एक हमारी बीन लगी हुई है। ठीक जी है, अब एलिवेटर ने बिन को फिट किया, बिन ने मशीन को फिट किया, जी तो सपोज कई बार क्या होता है कि बिन पूरी फिल हो गई और उसमें ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आ गई, मटेरियल जो था वो मटेरियल जो है वो बाहर गिरना स्टार्ट हो गया। अगर वो बाहर नहीं गिरा, अगर वो कवर्ड है, तो वो एलिवेटर का जो ऊपर से शूट आ रहा होता है उसमें चोकिंग हो जाती है कई बार। ठीक बिल्कुल जी है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि वियर एंड टीयर की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे कुछ एक पार्ट्स में। हो सकता है ओके कि वो एलिवेटर्स में जो है जैमिंग इतनी ज्यादा होती रहे कि वो एलिवेटर के टॉप तक पहुंच जाए, बिल्कुल एलिवेटर का जहां से एलिवेटर बिन को फीड कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि उसके आपके एलिवेटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ठीक जी है, या आपके बिन के जो कुछ पार्ट्स में कुछ मतलब ब्लॉकेज के चांसेस हो सकते हैं वहां पे। ठीक बिल्कुल है, तो वहां पे एक सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जी सेकंड क्या है कि अगर आपने जब आप फीडिंग करते हैं मैनुअल मशीन में, जी तो ओवर फीडिंग की प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है वहां पे, कि आपने वहां पे पूरा मटेरियल जो है वो ज्यादा खोल दिया, बट ओवर फीडिंग जल्दी किस वजह से होती है कि आपने जो आप जहां से आप मटेरियल आउटपुट में ले रहे हो, आपने वहां से बैग हटाना है, सपोज बैग फिल हो गया आपका पूरा, जी आपने जी बैग वहां से हटाया नहीं, तो उस वजह से मटेरियल जो है वो बैक साइड में चोक होना स्टार्ट हो हो जाता है सकता पीछे से पीछे, है तो उस जी वजह से मशीन में ओवरलोड हो सकता है। ठीक जी है, मतलब आपकी जो मोटर है वो गर्म हो सकती है, मशीन ओवरलोड हो सकती है, और बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मशीन में जो मूविंग भी होते हैं उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल देखा कि हमारी मशीनें एयर हवा पे काम करती हैं और वाइब्रेशंस पे काम करती हैं, अगर आपने देखा होगा हमारा क्रैडल है वाइब्रेट करता है। ठीक है, और प्लस करेक्ट ब्लोड हम देते हैं एयर के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि जो भी मूविंग पार्ट्स होते हैं तो उसमें वियर एंड टियर हो सकता है इस वजह से, चॉकिंग की वजह से, जी तो जी चॉकिंग एक प्रॉब्लम है, तो उस वजह से क्या होगा कि मशीन ओवरलोड होगी। अब ओवरलोड होगी तो वो फिर हम इलेक्ट्रिकल पार्ट में आ जाएगा, जब मशीन ओवरलोड होगी तो हम जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल देते हैं उसमें हम मशीन की सेफ्टी के लिए, मोटर की सेफ्टी के लिए हम स्टार्टर्स लगाते हैं। जब भी बिल्कुल मशीन ओवरलोड होती है तो पैनल के अंदर जो तो स्टार्टर है वो ट्रिप हो जाता है। जी ठीक जी है, और उसका इंडिकेशन हम पैनल के बाहर देते हैं ताकि बाहर कस्टमर को पता लग जाए कि वो ओवरलोड हुआ है। ठीक जी है, जी तो ये प्रॉब्लम जो है इंटरलिंक्ड होती है, अगर मशीन में कुछ फॉल्ट, कुछ प्रॉब्लम होगी या ओवरफीडिंग होगी तो उससे उसका इंपैक्ट जो है हम पैनल से उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पैनल से उसको सेव करना है, जी 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 अगर आप जी देखेंगे यहाँ पे। बिल्कुल 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 अजय जी, बहुत डिटेल में आपने सारी सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। आई एम श्योर कि ये बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे, और आई एम श्योर जो भी हमें देख रहे हैं और जिनके पास मशीनें लगी हुई हैं वो भी इन बातों को बहुत समझेंगे और रिलेट भी करेंगे कि कैसे डिफरेंट स्टेजेस पे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो हैं वो अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं मशीन का तो आते ही हैं। नवीन ये जी थोड़ा सा मैं जी इंटरप्ट करूंगा आपको यहाँ जी जी पे, ज़रूर थोड़ा
थोड़ा सा मैं कस्टमर को फायदा बताना चाहूंगा। अभी मैंने जैसे मैनुअल मशीन के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी, है जी 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 ना, जी तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा ऑटोमेटिक मशीन का थोड़ा सा मैं कस्टमर को क्लियर कर दूं कि ओके जो प्रॉब्लम्स मैनुअल मशीन में, मैंने आपको बताया कि ओवरफीडिंग की प्रॉब्लम आती है या ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आती है, उस वजह से केमिकल फेलियर्स होते हैं, जी ठीक जी है। बट अगर अगर कस्टमर ऑटोमेटिक मशीन यूज करता है तो उसको ये जो जो ये प्रॉब्लम्स हैं इन फेलियर्स की वजह से, तो वो बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं एक्चुअली। मिनिमम कई बार तो ना के बराबर ही हम लोग उसको कंसीडर भी कर सकते हैं, कर क्योंकि सकते बिकॉज हम बहुत सारे सेंसर्स यूज करते हैं मशीन के अंदर ताकि ओवर फीडिंग ना हो। हम लेवल सेंसर यूज करते हैं कि बिन भर के मटेरियल जो है वो बाहर ना गिरे और बैक साइड जो फीडिंग है वो बंद हो जाए। तो कई सारी सेफ्टीज, कई सारे सेंसर्स हम लोग इंटीग्रेट करते हैं मशीन के अंदर ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना आए। तो अजय जी, क्या यहाँ पे क्या ऐसा कहना ठीक रहेगा कि मैकेनिकल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं, पर ऑटोमेशन में अगर कहीं ना कहीं कोई चैलेंज आ जाए, चाहे वो कोई फॉल्ट ही क्यों ना हो पैनल में, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट उसमें कहीं पे आ जाए, तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। तो मतलब एक अगर दूसरे का इलाज है तो तीसरा फिर दूसरे का इलाज है, बिल्कुल ऐसा ही होगा होता है नवीन जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल पॉइंट अच्छा जज किया है यहाँ पे। एक्चुअली जी होता क्या है कि मशीन में जब कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, जी वो हम किसी सेंसर के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं उसका, कि ऐसे ओवर जैसे सपोज मान लो अगर हम ओवर फीडिंग की बात करें या चोकिंग की बात करें, तो उसके लिए हम लेवल सेंसर्स या चोकिंग सेंसर्स हम लोग यूज करते हैं, जी ठीक है। जब भी वो फॉल्ट आता है तो उसका अलार्म जो है पैनल पे जाता है सीधा, वो डायरेक्टली पैनल से लिंक्ड होता है सेंसर, ठीक है। करेक्ट पैनल पे हम लोग जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उसके लिए हम एक टच स्क्रीन ह्यूमन इंटरफेस देते हैं, जिसे हम HMI बोलते हैं, ठीक जी है। तो जब भी जो फॉल्ट होता है उस HMI के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है वहां पे कस्टमर की इजीनेस के लिए, कि मतलब अगर मशीन बंद हुई है तो कस्टमर इसको कई बार होता है कि पता ही नहीं लगता कि मशीन बंद क्यों हो गई, बिल्कुल अपने आप बिल्कुल चलती जल्दी बंद हो गई मशीन में, जी 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 ठीक जी है। जी तो हम उसके लिए कस्टमर को जो HMI हम देते हैं उसके ऊपर सारे फॉल्ट अलार्म्स जो है उसके ऊपर आ जाते हैं लिखे हुए कि जी क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन है, क्या हम दोनों सोल्यूशन चीजें है। वहीं लिख के देते हैं कस्टमर को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी पर सर, इससे तुरंत ही एक सवाल जुड़ता है। मेरा मेरा जो अब सवाल है वो ये है कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो चलिए आते ही हैं, हम लोग पास्ट में पहले, क्योंकि हमारे हमारे कई व्यूअर्स हैं जिनके बहुत पहले से मशीनें लगी हुई हैं और शायद पुरानी मशीनें भी लगी हुई हैं, हम लोग पहले इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते थे ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब आपने क्या क्या परिवर्तन किए हैं, अब आप कैसे इन चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं कस्टमर्स की। कोविड भी बीच में आया हुआ है, तो प्लीज़ उसका भी उसको भी बीच में आप बीच में रख के बात कहिएगा। जरूर जरूर नवीन जी, आपने तो यहाँ पे मेन पॉइंट छेड़ दिया आफ्टर सेल सर्विस का, जी 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 अगर जी हम कह जी रखते हैं जी जी तो। नवीन जी अगर हम देखें आफ्टर सेल सर्विस की अगर हम बात करें, तो एग्रोसा जो है अगर हम आज से 5 6 साल या 7 साल पहले की बात करें, 2013 या 14 या 12 की बात करें, जी तो उस टाइम हम जनरली क्या करते थे कि जब भी किसी कस्टमर को फॉल्ट आता था तो जी जनरली क्या होता था कि हमें इन्फॉर्म करते थे वाया ईमेल और फोन कॉल के थ्रू, ठीक जी है। तो जल्दी हम फोन के थ्रू कस्टमर से कॉल जो थी वो अटेंड करते थे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस होती थी जो हमें अगर चाहिए होती तो हम उससे वो मांगते थे, तो वो हमें प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है। और हम उनको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देते थे, ठीक है। अगर वो सोल्यूशन नहीं होता था उसको, उसके लिए हमें फिर अपने टेक्नीशियन को या इंजीनियर को जो है हमें साइट पे विजिट करवानी पड़ती थी, करवाना ठीक पड़ता है। जी। तो नवीन जी अगर उस सिनेरियो में देखें, हम उस पुराने टाइम को देखें अगर हम, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था ना वो आता था टाइम जो वेस्ट होता था उसका। बिकॉज आज मेरी मशीन बंद हो गई, ठीक है, मेरा हमारा देखो एग्रीकल्चर मार्केट जो है ना नवीन जी पूरी जो है वो सीजनल है, बिल्कुल आपको पता है। बिल्कुल देखो देखो बिल्कुल सीजनल मार्केट चलती है, कोई मटेरियल है उसका 2 महीने का सीजन है, किसी का 1 महीने का सीजन है, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टीपल कॉमोडिटीज आती है मल्टी मल्टी सीजन्स में। जी तो अगर सीजन में हम लोग मशीन चला रहे हैं, मशीन पे कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो हमें वो इमीडिएट सॉल्व करनी पड़ती है। बिकॉज अगर बिल्कुल हमने इमीडिएट नहीं करी तो 1 दिन का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा लॉस कस्टमर के लिए जो है वो ला देता है, ठीक है। बिल्कुल तो यहाँ पे जो ये सिनेरियो था पुराना वाला हमारा आज से 6 7 साल पुराना जो सिनेरियो था, तो उसमें एक टाइम वेस्टेज हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी। देखो बिकॉज कस्टमर अगर सर्विस के लिए अगर फोन पे अटेंड नहीं हो पा रही है, फोटो से सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो कस्टमर जो है टेक्नीशियन जो है वो साइट पे जाएगा, तो जो जाने के लिए जो टाइम लगेगा
वो एक कस्टमर के लिए चैलेंज था, हमारे लिए भी चैलेंज है, वो कस्टमर के लिए भी एक चैलेंज था, जी जी ठीक जी है। जी जी बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हुई। जी आपने स्टार्टिंग में बोला कि आप अपनी माता जी से बात करना चाहते थे, उस टाइम नहीं हो पाती थी, बट आज के दिन बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल है और आप जो है उनके थ्रू बात कर सकते हैं कहीं बिल्कुल भी बैठ के, बिल्कुल ना। जी तो जी जी इसका मतलब क्या था कि टेक्नोलॉजी ने धीरे धीरे ग्रो हुई, टेक्नोलॉजी बिल्कुल धीरे सही धीरे, बात तो है, उसका फायदा आपने उठाया, हमने भी उठाया उसका फायदा, क्या बात है ठीक जी है। जी 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 तो अब हुआ क्या कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो हमारे पास जो है वीडियो कॉल की फैसिलिटी आ गई, ठीक है ना। जी हमने क्या किया, उस वीडियो कॉल की फैसिलिटी को हमने अपनी आफ्टर सेल सर्विस में था जो उसे वो हमने ऐड किया, ठीक है। ये पॉइंट हमने न्यू ऐड किया, एक्चुअली ओके कई साल लगे क्योंकि टेक्नोलॉजी जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आप उसको कैसे अडॉप्ट करोगे, बिल्कुल ठीक सही है बात ना। क्योंकि इंटरनेट की स्पीड हमारे लिए चैलेंज है हमारी कंट्री के अंदर एक, जी जी ठीक है। जी बट जी आज के दिन इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है हमारे पास, ठीक है। तो हम बिल्कुल वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होना हमने स्टार्ट कर दिया लास्ट 2-3 साल में, दो जी तीन साल पहले की बात करें अगर हम, जी तो जी हम टेलीफोन अटेंड टेलीफोनिकली हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे, प्लस जी हमने वीडियो कॉल्स के थ्रू भी हम सॉल्व करने लगे, फोटोज भी हमारे पास था ही, और साइट विजिट का भी एक ऑप्शन था। अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल थे इजिली, ठीक हाँ है। और हुआ क्या कि वीडियो कॉल ऐड होने की वजह से हमारी जो 30-40% प्रॉब्लम जो थी हमारी, वो वीडियो कॉल से ही सॉल्व हो जाती है, हाँ जाने लगी, अगर आप देखेंगे उस टाइम पे। क्या बात तो है मतलब टेक्नोलॉजी को देखो सर, एग्रोसा जो है ना, स्टार्टिंग से ही टेक्नोलॉजी अडॉप्टिंग एक कंपनी रही है, अगर आप बिल्कुल देखेंगे। मतलब जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है ना, तो हमारे जो एमडी साहब हैं बहुत टेक्नोलॉजी के लिए एकदम रहते हैं कि अजय आज ये टेक्नोलॉजी आई है हमें इसको अडॉप्ट करना है, जी हम जी कस्टमर को कैसे उसको बेनिफिट दे सकते हैं इस चीज से, बिल्कुल टेक्नोलॉजी से उसको हम अडॉप्ट करें। जी तो हमने जी वीडियो कॉल को अडॉप्ट किया, ठीक है। जी तो आज हम वीडियो कॉल से हम काफी फैसिलिटी हम कस्टमर को देने लगे। आपको मैंने बताया कि 30-40% प्रॉब्लम जो थी हमारी वो वीडियो कॉल से सॉल्व सॉल्व होने होने लग लगे गई, ठीक है। बट जी हमारा जो टारगेट था वो ये था कि 100% तक हम कैसे पहुंचे, बट बहुत वो बढ़िया गैप था उस टाइम, कोई टेक्नोलॉजी हमें इससे अच्छी नहीं मिली कि इससे हम हो सकते। बट हुआ क्या, जब COVID-19 का टाइम आया, जी जी ठीक है, तो कोविड के टाइम पे हुआ क्या कि जो साइट विजिट थी वो भी ब्लॉक हो गई हमारी, ठीक है ना। कुछ एक कस्टमर्स की मशीन चल ही रही थी, मतलब वैसे तो कोविड में सब कुछ ही बंद हो गया था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे कोविड के बाद मार्केट ओपन होनी स्टार्ट हुई। अजय जी, मैं इसी इसी पॉइंट से उठता हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप हमें लेके जा रहे हैं कि कोविड ने हमें कितनी बड़ी समस्या हमारे लिए खड़ी कर दी। उससे पहले मैं थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगा, आपने क्या कहा कि पहले किस तरीके से हम लोगों को जो है अपने टेक्नीशियन को बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए जो फ़ोन पे सॉल्व नहीं हो पाती है, ये व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए है, तो हम पहले अपने टेक्नीशियंस को वहाँ पे भेजते थे, और भेजने में और आने जाने में, क्योंकि हमारी मशीनें तो भाई दूर दूर तक लगी हुई हैं, बहुत समय लग जाता था आने जाने में। तो इस वजह से प्लांट्स कई बार, मशीनें कई बार कई कई दिन तक बंद रहती थी, और हमारे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता था क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाती थी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे कि अजय जी ने कहा कि हम अडॉप्ट करते रहे, जिसमें से वीडियो कॉलिंग एक थी, जिसमें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से सॉल्व करने लगे, जिसमें से 30% से 40% हमारी प्रॉब्लम जो है वीडियो कॉलिंग से ही सॉल्व होने लगी। और कोविड एक ऐसा चैलेंज आया जिसने शायद हमें हमें एक और नए डायरेक्शन में काम करने के लिए लगा दिया। अच्छा जी, मैं यहीं से ही एक सवाल आपसे निकालना चाहूँगा। आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमारे हमसे शुरू में शेयर किया, जिसमें से ऑगमेंटेड रियलिटी एक टेक्नोलॉजी थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रिसेंटली इसके ऊपर आपने बहुत काम किया है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कैसे आफ्टर सेल सर्विस में और मशीन को और इम्प्रूव करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर रहे हैं? नवीन जी, अभी मैंने जहाँ टॉपिक छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा इसको थोड़ा सा। जी तो कोविड के टाइम पे हुआ क्या कि साइट विजिट भी एक चैलेंज बन गई हमारे लिए, ठीक जी जी है। तो अब टाइम था कि कुछ ऐसा नया सोचने का कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए, बिल्कुल मतलब जो टास्क हम वीडियो कॉल में भी नहीं कर पाते थे वो हम कैसे उसको क्लियर करें। जी जी तो अभी जी वीडियो कॉल में हमारे चैलेंजेस क्या थे, मैं थोड़ा सा जी मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी हम कस्टमर से इंटरेक्ट करते थे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल का, ठीक है। जब भी हम किसी सपोज अब कस्टमर की कोई मशीन है जिसमें ओवरलोड की वजह से कोई फॉल्ट आया, ठीक है, अब वो ट्रिप हो गई, इंडिकेशन आ गया, बट कस्टमर को पैनल के अंदर नहीं पता कि कौन से कंपोनेंट में क्या सेटिंग करनी है या चेक करनी है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है।
तो होता क्या था कि जब भी हम वीडियो कॉल करते थे और कस्टमर अपना कैमरा जो है वो पैनल के सामने करता था, तो कंपोनेंट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो एक चैलेंज रहती थी वो क्विन जी चैलेंज हमारे रहती थी। लिए। जी। देखो ये चैलेंज हमें पैनल के उसमें भी रहता था, प्लस अगर मशीन होती थी तो उसके चैलेंज उसमें भी ये चैलेंज हमें आता था कि हम आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क रहता था ये। कि मतलब जैसे सपोज मान लो अब कस्टमर को पैनल के सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी जो है वो नहीं होती कभी, बिल्कुल मतलब मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को नहीं होती है। मतलब कुछ एक कस्टमर्स को जी होती भी है जहाँ पे इंजीनियर्स हैं अच्छे जिन्होंने अच्छा सपोर्ट अपने लिए जो है वो रेडी किया हुआ है, ठीक है, बट जिसके पास नहीं है, ठीक है। अब होता क्या था कि जब भी हम वीडियो कॉल करते थे तो जी हम आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको ये कहते थे कि हाँ इसकी लेफ्ट वाली आइटम या ये कंपोनेंट पे मार्किंग हम करते हैं कि ये I1 है, I2 है, I1। तो मतलब हम उसे काफी गाइड करना पड़ता था, मतलब वर्बली हम बोल के उसको बताते थे कि इसके लेफ्ट वाली आइटम, इसके साइड वाली, इसके ऊपर वाली, उसके नीचे वाली। तो एक आइडेंटिफिकेशन जो थी ना वो हमारा एक चैलेंज था वहां पे, जी। ठीक है। ठीक है, एक तो वो चैलेंज था, एक कोविड के टाइम पे चैलेंज ये आ गया कि आप साइट पे जा नहीं सकते। साइट पर नहीं जा सकते। मतलब हमारे लिए दो चैलेंज थे जो हमें कवर करने थे यहाँ पे, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल कस्टमर को सपोर्ट तो हमें देनी है, वी आर बिल्कुल सही, कमिटेड फॉर द बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो हमें वो सपोर्ट देने के लिए कि अब नया क्या करें, तो अब AR ऑगमेंटेड रियलिटी का हमने स्टार्टिंग में जो था डिस्कशन किया था, एक छोटा सा आइडिया लिया था कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है। तो जी। नवीन जी यहाँ पे जो ऑगमेंटेड रियलिटी थी ना, इसने हमारा जो सारा जो प्रॉब्लम थी हमारी, जो ये आइडेंटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम थी, ये हमारी सोल्व कर दी, ठीक है। AR ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि AR में हम क्या करते हैं कि हम रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड को कंबाइन कर देते हैं, जी ठीक है। हमारी जो वीडियो कॉल है वो हमारा रियल वर्ल्ड है, हम रियल वर्ल्ड में थे ना, क्योंकि रियल वर्ल्ड तो ऑलरेडी हमारे पास था कि जी हमारे पास हमने वीडियो कॉल अटेंड करी, हमने रियल मशीन को देख लिया, जी रियल वर्ल्ड को हम देख पा रहे हैं। बट हमारे पास अभी क्या है कि कुछ ऐसी चीज मिसिंग थी जिससे हम उसको इजिली आइडेंटिफिकेशन कर सकें कंपोनेंट्स जी की, ठीक है। तो वहां पे हमने जो वर्चुअल रियलिटी कह लो आप, या वर्चुअली जो चीजें थी उसको हमने कंबाइंड किया रियल के जी साथ, तो हमने वहां पे AR यूज किया, ठीक जी है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने एक रिमोट असिस्टेंस टूल यूज किया AR बेस्ड, ठीक है। हमने एक टाइप किया एक कंपनी के साथ, ठीक है। तो हमने एक उसका ऐप का नाम भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, जी ठीक जी है। तो हमने क्या किया कि हमने एक सॉफ्टवेयर यूज किया AR बेस्ड, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं सेम वैसे ही हमें कॉल करनी है, ठीक जी है। उसमें एक छोटा सा कोड मैं रहता है आपसे वो रिक्वेस्ट कोड, करूंगा अजय जी, एक एग्जाम्पल, एक वीडियो क्लिप के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा आप हमें इस चीज को समझाएं। हाँ नवीन जी, मैं आपको एक इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाऊंगा, ज्यादा जरूर बड़ा नहीं, छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा आपको। जी ये देखिए जस्ट अ सेकेंड। हाँ नवीन जी, वीडियो देखिए, इसमें क्या किया है कस्टमर ने, एक मशीन के सामने अपना कैमरा रखा हुआ है, टैब रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर में जी पूरी मशीन क्लियर है, ठीक जी है। उसमें जब भी कैमरा को मशीन के आगे लेके आते हैं तो सारा जो मशीन से रिलेटेड डेटा जो है वो पॉपअप हो जाता है वहीं पे, मतलब मशीन तो वहीं की वहीं है प्लस उसके साथ कुछ डेटा जो है वो टैग हो जाता है, फिर आप उस टैग से उस मैनुअल को खोल सकते हो। अभी देखो ये दूसरा साथ ही अभी इलेक्ट्रिकल पैनल के साथ जैसे ही कैमरा आगे आया तो आपने कैमरे को उसके सामने रखते ही आपने मशीन पैनल का इंटरनल व्यू भी ओपन कर लिया बिना पैनल को ओपन किए, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो मशीन का जो पैनल का इंटरनल व्यू था आपने उसको बिना पैनल खोले ओपन कर लिया, प्लस वहीं पे सारे उसके जो कंपोनेंट्स के जो थे जो मैनुअल्स थे या उसकी जी कुछ वैल्यूज थी वहीं पे टैग हो गई साथ के साथ, तो वहीं से आ आपने उसको कैटलॉग भी ओपन कर लिया, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ कैटलॉग ओपन करके दिखाया कि ऐसा होता है, बट कैटलॉग के अलावा मशीन का जो भी डेटा है या सेंसर से रिलेटेड कुछ डेटा है या पैनल से रिलेटेड जो भी डेटा है हम उसको वहीं पे पॉप अप करके दिखा सकते हैं। सपोज अगर कोई टेम्परेचर है या कोई लेवल है या उस जी मशीन का कुछ भी मतलब एम्पियर है या वोल्ट या पैनल के अंदर जो वोल्टेज चल रही है, तो सारा डेटा हम वहीं से पॉप अप करके वहीं साथ के साथ दिखा सकते हैं। तो उससे जी बेनिफिट क्या होता है नवीन जी, के उससे बेनिफिट ये है कि हम जब भी कोई फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें साथ के साथ सारा डेटा मिल जाता है, हमें किसी और सिस्टम पे जाने की जरूरत नहीं है, हम वहीं खड़े खड़े हम सारा डेटा जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। इसके अंदर इस एग्जाम्पल में नवीन जी IoT भी यूज हुआ है, ठीक है, ओके ठीक है, प्लस AR इसका बेस है, तो दोनों यार इसका टेक्नोलॉजीज यूज हुई है इसके अंदर, बेस है। ठीक बहुत है। बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हाँ वीडियो जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसमें मतलब किस तरीके से AR का यूज़ हो रहा है, और शायद ये हमारे सभी व्यूअर्स को समझने में बहुत आसानी देगा।
अच्छा जी, इसी से जुड़ा मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूँगा, क्या हम इस टेक्नोलॉजी का, हम बोले तो हम एग्रोसा में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, क्या हमारी मशीनों में हम आज के समय में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ वो स्टेप्स आप ज़रूर बताएं हमारे व्यूअर्स को और कस्टमर्स को कि हम किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। आपने एक जस्ट अभी एक वर्ड भी यूज़ किया था, रिमोट एक्सेस में हम करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करें। नवीन जी, जब हम एआर की बात करते हैं तो जो एग्रोसा एआर में क्या यूज कर रही है, तो जी उस पर थोड़ा हम चर्चा कर रहे हैं इसे जी भी कि एआर में अभी हमने क्या किया है कि जैसे भी कस्टमर को हम वीडियो कॉल करते थे, मैंने आपको बताया, तो हमें फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एक टास्क था हमारे पास, एक चैलेंजिंग टास्क था, ठीक है ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने एआर यूज किया। एआर में जी क्या था, हमने एक सॉफ्टवेयर यूज किया एआर बेस्ड, ठीक है, जिसमें क्या रहता था, हम कंपोनेंट को थ्रू वीडियो तो देख सकते ही थे, जैसे वीडियो वाला काम तो हमारा हो ही रहा है, ठीक जी है, इसके अंदर प्लस हम उस कंपोनेंट को मार्क कर सकते हैं। नवीन जी, जी इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, जरूर जरूर इसके लिए आपको छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे एक्चुअली होता क्या है कि देखो, थोड़ा सा पहले बताऊंगा कि जो ऐप, जो सॉफ्टवेयर हमने यूज किया, उसकी एक ऐप है विफोरिया चौक नाम से, जी ठीक है, जो कि कस्टमर को अपने एआर अनेबल्ड फोन में डाउनलोड करनी है, ठीक है, और उसे इंस्टॉल करना है, जी ठीक है, उसका लाइसेंस हमारे पास अवेलेबल है, कस्टमर को उसके लिए कुछ भी जो है सेटिंग नहीं करनी है, कुछ भी ऐसा कुछ भी सब्सक्रिप्शन जो है वो नहीं लेना है कस्टमर ने, ठीक ओके है ठीक है, तो वो ऐप में हम एक कोड जो है वो जनरेट करेंगे और वो उस कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, तो वो ऐप में उस कोड के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकता है। अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो कैसे पॉसिबल है, ठीक है। जी अब जरूर इस वीडियो में आप देखिए कि कस्टमर ने अपना फोन रखा, जब भी एक्सपर्ट ने फोन किया, इस वीडियो में क्या रहेगा कि जैसे एक्सपर्ट है जो कि ऑफिस में है और एक कस्टमर जो है वो साइट पे है, जैसे उसने उसको कोई प्रॉब्लम आई, उसने उसको कॉल किया, ठीक है, अब वो अपनी कॉल जो है वो इनिशिएट कर रहा है फोरिया चौक ऐप के थ्रू, ठीक जी है, तो अपने उसने जैसे उसने कॉल इनिशिएट करी, ठीक है, तो उसने एक अपना जो कैमरा था जो है कस्टमर ने अपना फोन के सामने जो है वो सॉरी एमसीबी के सामने एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है छोटा सा, उसके सामने जो है वो रखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के सामने, ठीक जी है, तो जैसे ही वो कॉल कनेक्ट हो गई उसकी दोनों की आपस में, तो उसने दोनों ने एनोटेट करना स्टार्ट कर दिया, या मैंने एक न्यू वर्ड यूज किया है एनोटेट, एनोटेट का मतलब है हम यहाँ पे कंपोनेंट मार्किंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मार्क करके एक दूसरे को जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें ये फेलियर है, तो दोनों आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, मतलब वीडियो कॉल तो है ही है, बट दोनों जी मार्किंग करके भी एक दूसरे को इजिली कन्वे कर रहे हैं मैसेज। तो नवीन जी, यहाँ पे मुझे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ी बिल्कुल भी। बिल्कुल इस वीडियो में अगर आप देखेंगे, इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर है कि आइडेंटिफिकेशन कितनी ईजी है, बिल्कुल इस वीडियो में बिल्कुल बिल्कुल सही क्लियर हो रहा है इस चीज का, जी ठीक जी है। जी तो अभी क्या है कि जो एक टाइम वेस्ट हो रहा था हमारा आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक चैलेंज आ रहा था आइडेंटिफिकेशन का, कस्टमर को समझा पाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी वहां पे, तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए बिल्कुल जीरो हो गई। यहाँ तो मैं सिर्फ बिल्कुल जीरो यूज करूंगा नवीन जी, इसके लिए ये बिल्कुल जीरो हो गई बिल्कुल हमारे लिए, कोई चैलेंज नहीं है हमारे पास उसको, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वो तो हुआ क्या कि अब हम कंपोनेंट को मार्क भी कर सकते हैं, वहां पे हम लिख के इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं कि इसको हमने क्या करना है, उसको मतलब क्रॉस करना है या हटाना है या इस पे खराबी है, तो हम लिख के भी बता सकते हैं, अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो हम लिख के भी बता सकते हैं हम कस्टमर को, ठीक बिल्कुल है, तो दोनों चीजें हैं हमारे पास, मतलब आइडेंटिफिकेशन भी हो गई प्लस हमारा मैसेज कन्वे भी हो गया ठीक से, हम लिख के मैसेज भी कन्वे कर दिया, ठीक है, तो दोनों जो चैलेंज थे वो सोल्व हो गए यहाँ पे। दोनों चैलेंज सॉल्व हो गए, बिल्कुल सही यस बात है अजय जी। बल्कि मैं अगर समराइज करूं तो मुझे मुझे बड़ा ये फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि देखिए हमने बातचीत कहाँ से शुरू करी थी, हमने बातचीत शुरू करी थी कि कहाँ पे गैप्स हैं। आपने आपने बताया था कि स्किल सेट एक गैप होता है, मशीन कॉम्प्लेक्स होती है, वो भी एक गैप रहता है, एक चैलेंज रहता है हमेशा कस्टमर के लिए। बाद में हमने उस चैलेंजेस को बहुत बेहतरीन तरीके से दूर करने की कोशिश करी, काफ़ी हद तक करी भी वीडियो कॉलिंग के द्वारा। पर एआर टेक्नोलॉजी से आप जो है वो स्किल सेट आप एम्पावर कर रहे हैं एक कस्टमर को कि वो खुद ही जो है अपनी मशीन को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके बिना किसी डिस्टरबेंस के और बिना किसी मिसकम्युनिकेशन के आप सही तरीके से आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करके अपने मशीन को एकदम कह लीजिए ठीक कर सकते हैं, या जो भी चैलेंज है, जो भी गैप है, उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे मुझे उम्मीद है कि जो आपने कहा है कि इसके बाद शायद ही कोई फॉल्ट की गुंजाइश रहती है, मैं होप करता हूँ ज़रूर ऐसा ही होगा। अजय जी,
ये तो आपने कहा कि अब हम लेटेस्ट करंटली हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है वो अडॉप्ट करी हैं, और ये आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर बहुत फोकस भी करती है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, और ये मेरी इस इंटरव्यू का, इस वार्तालाप का आखिरी सवाल भी है, आपका विजन मैं जानना चाहूँगा, एग्रोसा का मैं विजन जानना चाहूँगा कि अब भविष्य में आने वाले समय में अब आप क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हमारे कस्टमर्स के लिए ला रहे हैं। नवीन जी, आपके ना इस क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एआर का बेनिफिट और बताना चाहूंगा यहाँ जरूर पर कस्टमर जरूर के लिए। प्लीज। नवीन जी, अभी मैंने बताया कि हम आफ्टर सेल सर्विस में कस्टमर की फॉल्ट फाइंडिंग में हम एआर को यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो हमने विफोरिया चाक के नाम से बताया जी आपको। जी नवीन जी, इसके अलावा कस्टमर की कंप्लेंट के अलावा हम कस्टमर को ट्रेनिंग देने के लिए भी ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अगर आपको आपको शायद इन्फॉर्मेशन है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बताना चाहूंगा आज के हम कस्टमर को ट्रेनिंग देने के लिए भी सॉफ्टवेयर को हम यूज कर रहे हैं कि हम जी कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस हम कस्टमर को इसे देते हैं कि हाँ ये फ्लैप है उसको हाईलाइट करके हम बता देते हैं कस्टमर को, मतलब हर चीज हाईलाइट करके बताते हैं कि प्रॉपरली उसको गाइड करके बताते हैं, उसको डायरेक्शंस दे के बताते हैं, पूरा एनोटेट करके बताते हैं कि हाँ ये मटेरियल यहाँ से फ्लो करेगा, ऐसे निकलेगा, आपने इसको ऐसे ओपन करना है। तो मतलब जो इंटरेक्शन है हमारी कस्टमर के साथ वो, मतलब अब हम ऑनलाइन इसको आप कह सकते हैं कि हम एक रिमोट ट्रेनिंग या ऑनलाइन रिमोट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग कह लो, तो वो भी हम कस्टमर को देने लगे हैं। मतलब सर्विस के साथ साथ ट्रेनिंग्स का काम भी हमारा जो है जी वो इसे जी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, तो कस्टमर को इसके लिए कुछ पे नहीं करना है। पे नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तो बात है। जी यस, अब नवीन जी मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। जी आपका क्वेश्चन ये था कि अब एग्रोसा का विजन क्या है। जी नवीन जी, अब जो सबसे पहला देखो जो टारगेट था हमारा एआर को यूज करने का, जो था हमारा कि हमने कस्टमर को कैसे हम फैसिलिटी दे सकते हैं, हमने वो प्रोवाइड कराई, हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। जी हम चाहते हैं कि कस्टमर इसका बहुत से बहुत फायदा भी उठाए, ठीक जी है। बट इसके अलावा अभी हम एग्रोसा का जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है, हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी मशीन को एक कनेक्टेड आर्किटेक्चर में लेके आए। अब आप बोलोगे कनेक्टेड आर्किटेक्चर कहाँ से आ गया बीच में, जरूर जरूर तो हमने बताइए। कोई डिस्कस नहीं किया। तो नवीन जी, कनेक्टेड में क्या आज है मुझे कि बहुत हम नई नई बातें आपसे सीखने को मिल रही हैं, जानने को मिल रही हैं, बहुत बढ़िया। आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बताइए जरूर प्लीज प्लीज अजय जी। नवीन जी, कनेक्टेड में क्या है कि हम जो आईओटी की बात करते हैं, हमने स्टार्टिंग में आईओटी की बात करी थी कि हम रिमोट कमीशनिंग भी कर सकते हैं, कर जी प्लांट को आप कहीं से ऑपरेट कर सकते हो, वो भी इसमें अवेलेबल है, जी ठीक है। तो कनेक्टेड का मतलब है कि हम सारी जो मशीन्स हैं आपस में, सपोज अगर हम कोई कस्टमर हमसे पूरा प्लांट लेता है, ठीक है, तो वो एक कनेक्टेड मशीन्स रहेगी। मतलब हर एक मशीन का डेटा आपके सर्वर पे आ रहा है, मतलब हमारी हर एक मशीन जो है वो आईओटी अनेबल होगी। हमारा ये वाह प्लान है फ्यूचर का कि हमारी वाह हर एक मशीन जो है उसके स्टेटिस्टिक जो है, हमारी मशीन का जो डेटा है उसका परफॉर्मेंस डेटा है, उसका मेंटेनेंस डेटा है, उसकी जी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है, तो हर एक मशीन हमारी आईओटी एनेबल्ड हो, इसके ऊपर अब जी हम काम कर रहे हैं। और वाह हमारे नाइस। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस चीज को अचीव भी कर ले जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। जी और हम अपने कस्टमर्स को जो कंप्लीट जो है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट हम उसको जो है कस्टमर को प्रोवाइड कराएंगे, कनेक्टेड प्रोडक्ट देंगे हम कस्टमर को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब हम लोग जो अब नई मशीन डेवलप कर रहे हैं वो तो सारी आईओटी एनेबल्ड है ही, और जो हमारी एग्जिस्टिंग और पुरानी मशीन है वो भी अब आईओटी एनेबल हो सकती हैं, हम लोग उस पर यस काम कर रहे हैं, आप ये बताना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, और आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एक अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं, एक अच्छा बेनिफिट भी देंगी हमारे कस्टमर को, एज देंगी। आज के समय में आपकी मशीन कितनी बेहतर है, आप कितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी अपने प्लांट से निकाल सकते हैं, इस रेस में सभी हैं, और हम लोग भी इसी रेस में हैं कि हम आपको कितनी बेहतर मशीन दे सकते हैं। अजय जी, आपने मेरे व्यूअर्स को, आपने ऑडियंस को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, आपने थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों के ऊपर टच किया, और आई एम श्योर कि आपको सुनने के बाद जितने भी हम मेरे कस्टमर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो सभी जो हैं इन सब चीज़ों के बारे में कुछ कुछ ज़रूर जानते होंगे, और उनको कहीं भी तकलीफ़ नहीं होगी जब भी कभी वो इन चीज़ों के बारे में सुनेंगे, और ज़रूर नई मशीन लेने से पहले ये सब चीज़ों के बारे में क्वेरी वो ज़रूर करेंगे। यस मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमें इतना प्यार देते रहे हैं। अजय जी से अगर आपके कुछ और सवाल भी हैं, ऑटोमेशन से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके कोई और सवाल भी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज़ हमें मैसेज करके, कमेंट करके
किसी भी जरिए द्वारा आप फोन करके भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उन सभी जितने भी सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अजय जी से भी हम पूछेंगे, अगर कुछ हमें नहीं आता होगा तो हम उनसे पूछ के बताएंगे। और आप सभी जो हैं हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं आपसे दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप हमारे फेसबुक पे हमारे सारे वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट एपिसोड्स देखने के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अजय जी, आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राइट, ठीक है। इस बार मेरे ख्याल से ग्लिच भी नहीं आया कोई बीच में।